आप लोगों ने देखा कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे सबवेस्टिंग पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर हम तीन पॉइंट्स करने वाले हैं। ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे लिए थोड़े इम्पोर्टेंट्स भी हैं। वो क्या क्या है हम सिंपली इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे थ्री स्ट्रिंग लूँगा, यानी कि मैं तीन स्ट्रिंग लूँगा, जो कि मैं यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिख लेता हूँ पहले। तो जिस कमेंट लाइन में मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे करने वाले थे स्ट्रिंग, ठीक है, एन गेट केस ऑफ सेमटी, यानी कि सी एम पी, ठीक है, एन सी एम पी। और मैं यहीं पे कवर करूँगा। इसके लिए हम यहाँ पे तीन केस बनाएंगे, यानी कि तीन स्ट्रिंग, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग फर्स्ट बनाया, जो कि मैंने एस टी आर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक क्लोज, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू देना चाहता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम, ठीक है, वेलकम टू आर्या, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ वेलकम टू आर्या लिखा, मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगाया, और सेमी कोलन लगाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, एस टी आर टू, ठीक है। और मैंने उसके बाद यहाँ पे हमने इक्वल दिया, उस इक्वल देने के बाद मैं यहाँ पे ट्वेल्व क्वार्टर परसेंट में लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम, सॉरी मैं यहाँ पे लिखने वाला था वेलकम टू बाबा अकेडमी, ठीक है। और फिर मैं इसको भी अटेम्प्ट कर दूंगा। मैं इसके लिए एक और स्ट्रिंग लेता हूँ उसको, और नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग थ्री, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग थ्री का डबल ट्रेन लूँगा। मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे लिया, और मैं इसमें सिंपली इसमें जोड़ लिखूंगा वेलकम, जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा। और उसके बाद हम सिंपली इसकी कंडीशन बना चाहते हैं। कंडीशन कैसे बना चाहते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स लूंगा, और मैं आपको आपको बताना चाहूँगा सिंगल लाइन में कि हम किसके लिए क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पे दोनों के लिए जाता, तो इन दिस, ठीक है, यानी कि कौन सा केस के लिए हम करने वाले थे, इन दिस केस, और मैं इन दोनों केस के लिए करना चाहता हूँ। वो क्या है, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग थ्री, इन दोनों केस को मैं यहाँ पे सेंसिटिव लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैं इसे के लिए बहुत आ स्ट्रिंग, ठीक है, वो सॉरी भी अद्दा स्ट्रिंग, मैंने स्पेस दे दिया इसमें, ठीक है, और इक्वल, ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा। और मैं यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम किसके लिए क्या करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिया हुआ है, स्ट्रिंग को जो वैल्यू है मुझको यहाँ पे प्रिंट करानी है। उसके लिए एस टी आर जैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले थे, एन सी एम पी, ठीक है, एस टी आर एन सी एम पी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा हुआ है, वो सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ एस टी आर सी एम पी, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन अभी बाद में देखेंगे इसको हम एस टी आर एन सी एम पी, ठीक है, सॉरी सी एम पी, मैंने यहाँ पे एस टी आर सी एम पी लिया। उसमें हम किस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर बन की जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो। मैं यहाँ पे डॉलर बन को प्रिंट किया मैंने, और सॉरी एस टी आर था एक्चुअली हमारा यहाँ पे एस टी आर वन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बॉल लगाएंगे, और मैं यहाँ पे डॉलर एस टी आर टू को भी ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे थ्री को ले लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ, कुछ वैल्यू को मैं यहाँ पे सेवन डाल दूंगा। जब मैं यहाँ पे सेवन वैल्यू को डालूंगा, और मैं उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉन्स लगाऊंगा, तो फिर सकते हैं यहाँ पे मैं ई को ले लूँगा चार्ज की, एक से एक को मैं यहाँ पे मैं बी आर ए लूँ, यानी कि नेक्स्ट लाइन कमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें जो वैल्यू प्रिंट कराएगा वो प्रिंट होकर नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है। इसके लिए हम आप सेम कॉन्स लाएंगे, और हम यहाँ पे केस सेंसिटिव लिखेंगे, यानी कि सेकंड केस से हम तीनों के लिए केस लिखने वाले हैं। तो हम पहले पहले ही केस लिख लेते हैं कि पहले केस में होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ फाइल को इस रिप्लेस किया, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। अब मैं जीरो क्यों आ रही है, इसके लिए मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जो स्ट्रिंग मैंने थ्री लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं इसको टू करूंगा। जब मैं इसको यहाँ पे टू करूंगा, तब इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है अब भी जीरो आ रही है। अब ये जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम वेलकम, लेकिन यहाँ पे कोई टेंस नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ वेलकम शिफ्ट कर टू द बाबा अकेडमी यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन हमें ऐसे कोई टेन नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पे मैं अभी के लिए थ्री कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे थ्री करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉलिश ऑफ फोर रख दूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फोर किया, और मैं यहाँ पे फाइल को फिर से रिप्लेस करूंगा, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अब भी इसकी जीरो आ रही है। तो समझ सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे जीरो ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि सेवन की जगह मैं यहाँ पे फोर्टीन करना चाहता हूँ, फिर क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेवन टू ऑफ फोर्टीन किया, जब मैंने इसको फोर्टीन किया तो इसकी वैल्यू जो है सेवन आ रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू जो है सेवन क्यों आ रही है। अब जैसे सेवन क्यों आ रही है, आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वेलकम थर्ड वाले स्ट्रिंग थ्री में स्ट्रिंग फर्स्ट में, जब ये फोर्टीन की बात किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14, यहाँ पे 14 पेंडेंट हो चुके हैं स्ट्रिंग फर्स्ट में। इसके बाद जो वैल्यूज है
वो सिंपली यहाँ पे करा दिए। देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम में 7 7 बर्ड्स हैं, तो सिंपली इसने 7 बर्ड्स हमें प्रिंट करा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि 7 बर्ड्स के बाद हमें और कोई वैल्यूज को प्रिंट कराए, उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 12 करना चाहता हूँ, तो ठीक है, और मैं फिर से इसको रिप्लेस करूंगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो 5 आ रही है, जैसे 5 क्यों आ रही है, आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं जब इसने जो वैल्यू यहाँ पे वेलकम ली हुई है 12, यानी कि 14 से हमारा ये आ रहा है, इसमें से हमारे 2 वर्ड्स बचे हैं, 2 वर्ड्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसने। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम में यहाँ पे कितने वर्ड्स थे हमारे, एक्चुअली 7 थे। जब 7 से 2 प्रिंट किया इसने, यानी कि घटाया, तब इसने यहाँ पे 5 जो वैल्यू बचती है वो सिंपली इसने यहाँ पे 5 प्रिंट करा दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 7 ही कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, एक मिनट। तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 7 किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम में यहाँ पे कितने 7 वर्ड्स लिखे हैं, और 7 वर्ड्स यहाँ 7 वर्ड्स ठीक है ये उठे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है 2 आर्या। 2 आर्या का मतलब है कि हमारे यहाँ पे 7 7 बच रहे हैं, 7 7 हमारा वेलकम एस्टिंग 3 वाला गायब हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी सी एक और लाइन बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर। मैं सिंपली यहाँ पे मैं और बैलेंस के लिए बताऊंगा, तो इसमें क्या करने वाले हैं इन दिस केस, ठीक है कि मैं इसके लिए फर्स्ट के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ले लूंगा। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रेटर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट इज ग्रेटर। और इसके लिए अब यहाँ पे इको का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इको लिया, और मैं इसमें यहाँ पे एक, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लगा दीजिए, STRNCEMP मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था। तो सिंपली वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू को जो प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू ले लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू ले लेता हूँ, उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे डॉलर जो वैल्यू स्ट्रिंग ऑफ 1 लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 1 लिया। ऑब्वियसली जो वैल्यू, जब मैं 14 कर दूँ इसको, जब मैं इसको वैल्यूज ऑफ 14 करूँगा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल लिखकर एक ब्रेक स्पेन लेंगे, यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे BR का प्रयोग करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे BR का प्रयोग किया। ठीक है, पहले अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे सेमी कॉन्स लगाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉन्स का प्रयोग नहीं किया था अभी तक। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फाइल को सेव करता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 1 आ रही है। ठीक है, 0 पहले वाले की आ रही, 1 आ रही है, 14 1 क्यों आ रही है। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ वेलकम में हमारे 5 वर्ड्स हैं, 5 के बाद यहाँ स्पेस है, 6 हो गई, 6 7 8 ठीक है, यहाँ स्पेस है 9, 9 के बाद यहाँ पे जो 4 है 13 हो गए, 13 के बाद जो यहाँ पे 0 आ रहा है, सॉरी स्पेस है, वो पूरे 14 हो गए, यहाँ से 14 हो गए। एकेडमी पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जो वैल्यू जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम में भी 7 वैल्यूज हैं, और यहाँ पे स्पेस वैल्यू है, लेकिन इसमें एक स्पेस लगा, उसकी वजह से यहाँ पे एक वैल्यू बच रही है जो कि वहाँ पे हमें प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग टू में। एक्चुअली हम यहाँ पे स्ट्रिंग टू एंड स्ट्रिंग 1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हमारे 6 वर्ड्स बचे थे, उसके बाद एकेडमी के बाद जहाँ पे वेलकम से बैक टॉप वर्ड गया, उसके बाद जो वैल्यू जो हमारी बचती है वो सिंपली यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर देन के लिए किया था, अब मैं यहाँ पे सेकेंड ग्रेटर देन के लिए करने वाला हूँ। तो इसमें से हम क्या करेंगे इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस सेकेंड ग्रेटर देन, ठीक है, मैं यहाँ पे सेकेंड क्या, और मैं यहाँ पे सिंपली इको को पे करेंगे, और यहाँ पे हम करने वाले हैं STRCMP जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे अब तक। ठीक है, उसी का सिंपली हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इको ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग 3 के लिए। ठीक है, पर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू 3 को ले लूंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 3 को लिया, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉन्स लगाएंगे, और डॉलर में STR2 को ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके लिए 2 का कंपेरिजन कराऊंगा, और मैं यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा उसको मैं 10 ले लेता हूँ। 10 लेने के बाद एक्चुअली मैं यहाँ पे हमें सेमी कॉन्स का प्रयोग करना था, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉन्स ले लूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज को सेमी कॉन्स लिया, और मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो सकते हैं इसकी माइनस में वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि जो कट वैल्यू है वो माइनस में जा रही है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया है। ठीक है, उसके माइनस, सॉरी उसकी जो वैल्यूज है उसके लिए उसको माइनस में आ रही है। अब हम देखने वाले हैं पास स्ट्रिंग, पास स्ट्रिंग में होता क्या है, तो इसे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्क्रीन को यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, और जो मैं यहाँ पे इस पर लिखा है उसको लिखेंगे हम पास स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि पास स्ट्रिंग, ठीक है, मैं STR ही कर लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे करने जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास स्ट्रिंग।
मैंने यहाँ पे पास एस्टिया ले लिया है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं किसी का नाम देना चाहता हूँ, उसको सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि मैं किसी का नेम देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दिया और नेम को यहाँ पे एक इक्वल मैं कर लूँगा। मैं सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली इक्वल लगाना था, मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और यहाँ पे एक मैंने नाम ले दिया आर्या, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्या नाम दिया और उसके जो वैल्यूज है वो मैं इस वैल्यूज को भी यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एंड का प्रयोग कर लूँगा और मैं इसकी एज दे दूंगा। जैसे एज को भी हम इक्वल में दे सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 19 का लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 19 प्रयोग किया और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एम्परसेंडेज का यूज करेंगे, जिससे कि हमको उससे पता चल जाए कि जो वैल्यूज है उसकी क्या है। अब मान लीजिए मार्क्स या तो जो मार्क्स है मैं उसको यहाँ पे 95% पर कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे 95 किया उसके बाद सिंपली सॉरी 98 हो गया है वो, तो 98 ही रहने देते हैं अभी के लिए हम, क्योंकि अब मैं इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको हम प्रिंट कराने के लिए क्या करने वाले हैं वो सिंपली हम यहाँ पर अभी देखेंगे। और इसके लिए हम क्या करने करते हैं कि जो मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे इको का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इको लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एज, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉलर एज लिया और डॉलर एज को मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे एज करना था, मैं क्या कर लिया मैंने यहाँ पे एज और डॉलर, मैंने एक्चुअली यहाँ पे पहले नाम लिया हो तो सिंपली मैंने यहाँ पे पहले नाम के लिए लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एक ब्रेक टैग का प्रयोग कर लेंगे। बी आर, ठीक है। जैसे कि हम सिंपली हम यहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे तो, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे फिर से मैं इक्वल लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लिया और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डॉलर डॉलर कहाँ 4 पे, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे एच को प्रयोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एच ले लूंगा एच, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एच का प्रयोग लिया और मैं यहाँ पे लिखूंगा बी आर, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग किया और मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है वो हमें स्पेस नहीं देना चाहिए था इसमें, और इसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा स्पेस को उठाने के लिए, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे इको का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इको का प्रयोग किया तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स है, मैं यहाँ पे सिंपली मार्क्स को लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डॉलर मार्क, ठीक है। मार्क को लेने के बाद सिंपली हम यहाँ पे लेंगे और जहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉलर लगाना चाहिए था एक्चुअली वहाँ पे मैंने परसेंट लगा दिया है, तो मैं यहाँ पे परसेंट ही कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली मार्क के बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट जो वैल्यू जो मैं पास एसटीआर में लिखी हुई है उसमें एक थोड़ी सी एरर आ रही है, वो एरर हमें यहाँ पे शो करा रहा है। और ये एरर आ क्यों रही है उसको हम 1 मिनट चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के सामने मैंने यहाँ पे इसका नेम नाम ही दे दिया किसी का, जैसे कि मैंने दिया आर्या। और एक बात, मैं सिंपली एम परसेंट ही लिया नेक्स्ट लाइन के लिए, मैं यहाँ पे एज इक्वल 19 किया, फिर मैंने यहाँ पे एक और एज लिया। तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा तो सही है लेकिन यहाँ पे कोई एरर टाइप आ रही है, तो इससे पहले हम यहाँ पे सेव में जाएंगे और यहाँ पे फाइल को रिप्लेस करके देखते हैं कि सच में यहाँ पे एरर आ रही है या फिर कोई वैल्यू फाइंड कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास में एरर ही आ रही है, तो एक्चुअली हम करने के वाले हैं जो मैंने एम परसेंट दिया हुआ है वो मैं यहाँ से स्पेस दे लूंगा और यहाँ से भी मैं एंड परसेंट दिया, या फिर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो एम परसेंट लिखा हुआ है मैं सिंपली इसको हटाकर यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करने वाला हूँ और मैं इसको भी यहाँ से हटा दूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे इसको उठाया फिर भी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और जैसे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो इसके लिए हम एक बार पहले तो मेजनिंग चेक करेंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे पास स्ट्रिंग सही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पास स्ट्रिंग का भी सही प्रयोग किया हुआ है, उसके अलावा PHP भी है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली अभी वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो इसके लिए हम करने वाले कि जहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ मैं एक्चुअली यहाँ पे डॉलर डाल के देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई डॉलर डाल के कोई एरर नहीं आ रही है तो हम सिंपली इसको उठा देंगे यहाँ से, और ठीक है डॉलर अभी के लिए यहाँ पे भी फिर से वही एरर आ रही है लाइन नंबर 4 में। यहाँ पे भी सिंपली एक बार चेक करके हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ से रिप्लेस कर देख लेता हूँ पहले तो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉरनिंग एंड सीन टाइम वेरिएबल एंड डॉलर एज, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे डॉलर एज लगा रखा है क्या, मैंने यहाँ पे डॉलर एज लगाया, यहाँ पे मैं परसेंटेज का ही प्रयोग करते हैं हर बार जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है डॉलर।
और मैंने यहाँ पे डॉलर डॉलर का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन वैल्यू जहाँ पे है वो सेम नहीं आ रही है। वो सेम क्यों नहीं आ रही है ये समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ से एक बार फिर से स्टाइल को रिप्लेस करूँगा और देखता हूँ अब क्या। एक्चुअली यहाँ पे लैन 4 पे ही आ रही है। यहाँ पे हमें बता रहा है एंटर आर्गुमेंट कॉन टेरर और पास एग्जैक्टली टू आर्गुमेंट वन गिवन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बैल ओ सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मेरे को यहाँ पे जो डबल लाइन कॉन लिखा हुआ है मेरे को यहाँ पे सिंगल लाइन करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल लाइन पे देखता हूँ कि सिंगल लाइन से क्या होता है, ठीक है। इसने यहाँ पे डबल पैरेंट को भी नहीं हटाया इसने, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। फिर भी यहाँ से कोई एरर नहीं आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो पास एस टी आर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम क्या आ रही है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा क्या क्या आया इसमें, ठीक है। इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अभी के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। अनडिफाइंड एंड ऑफ वैलिड दिखा रहा है पास स्ट्रिंग की, तो हो सकता है कि ये पास स्ट्रिंग को अपडेट करके और कोई नाम दे दिया हो, लेकिन मुझे पास स्ट्रिंग के बारे में ही पता था तो मैं यहाँ पे पास स्ट्रिंग का ही प्रयोग कर रहा था, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग रॉट 13, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग रॉट 13। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मैं पहले बता चुका था। अब ये वर्क कैसे करता है, या इससे पहले भी हमने देखा था वो भी काफ़ी कम वर्क यानी वर्ल्ड हो चुका है, उसकी वजह से वो उठा दिया है। इसे भी हम देख लेते हैं इसके इसका क्या होता है। एक्चुअली में जहाँ तक हम देखेंगे ये हमारा अभी तक वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक बैरिज ऑफ प्रिंट करना चाहता हूँ मैं इसके लिए। तो मैंने इसके लिए एक इको लिया है और स्ट्रिंग रॉट 13, ठीक है। स्ट्रिंग रॉट 13 देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ भी चुका है स्ट्रिंग रॉट 13। और जहाँ पे जो मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ वो सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यू का नाम डाल दूंगा, जैसे कि मैं डाल दूँ यहाँ पे हेलो आ रहे हो, ठीक है हेलो आ रहे हो। और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉन्स लगाएंगे, तो मैं सिंपली पहले एक इको लगा देता हूँ बीच में, और इको के लगाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेक का यूज कर लूँगा, यानी कि अंडरलाइन ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, यानी कि BR, ठीक है। और उसके बाद सिंपली कॉन लगाएंगे, और उसके बाद सिंपली से हम यहाँ से एक एक स्टोर इको का उपयोग करेंगे, और मैं सिंपली यहाँ पे STR और रोड 13 जैसे कि हम प्रयोग करने कर रहे हैं इसमें। और उसके लिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू और इस वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे के लिए मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी UR YB वगैरह वगैरह। और इसके लिए हम यहाँ पे 10 कर दिए, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा JB, और कोई भी वैल्यू है जो मेरे पास, मोस्ट सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी नेम डैश ऑफ वैल्यू डाल देता हूँ। और इसके पास सिंपली हमें प्रिंट करके देखते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे सामने एक 10 ऑफ फाइल प्रिंट आउट ऑफ आ चुका है यहाँ पे रूबन नैन एन हेलो वर्ल्ड। इसने क्या किया है, ये पहले जो वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे हेलो आ रहा के बाद में लिख, ठीक है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे 10 कर दिया। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हेलो, एक्चुअली मैं यहाँ बाबा अकेडमी लिख दूंगा यहाँ पे, तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि, ठीक है। इसको मैंने टैब लिया, और मैं यहाँ से जब रिप्लेस करके देखता हूँ इसको दोबारा से, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है उसने बिल्कुल इस जो वैल्यूज को उल्टा कर दिया, जैसे कि बाबा अकेडमी एक्रेडिट को। मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है बाबा अकेडमी एंड हेलो बाबा, जैसे स्पीड से समझ आया। इसके लिए हम यहाँ पे एस टी एन ऑफ साइटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप देख सकते हैं इसने कोई भी लैंग्वेज में चेंजेस करके देख लीजिए जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ऐसा इसी में होता है कि हम यहाँ पे एस टी एन रोड 13 का नियम यही है कि जो हम अपने कोड बार या बार है वो उसको सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में कैसे एक दूसरे के साथ हमें प्रेशर करते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई वो भी ऐसे समझे होंगे, इसके से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।